नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चलिए आपको दिखाते हैं ताबड़तोड़ 50। श्रीकांत त्यागी के हाउसिंग सोसाइटी में फिर चला अतिक्रमण पर बुलडोजर, कॉमन एरिया से हटाए गए लोगों के प्राइवेट कंस्ट्रक्शन, नोएडा अथॉरिटी ने की कार्रवाई। अवैध निर्माण गिराए जाने के खिलाफ धरने पर बैठी थी कुछ महिलाएं, विरोध को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस वालों को भी किया गया था तैनात। गाजियाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर हुआ जबरदस्त हंगामा, दो लोगों को पीटते नजर आए हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड, दोनों लड़के जबरन बिल्डिंग में घुसने की कर रहे थे कोशिश। यूपी के मैनपुरी में अवैध निर्माण को ढहा दिया गया, प्रशासन ने अवैध रूप से बनाए गए समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया। झारखंड के धनबाद में अवैध कब्जा हटाए जाने का दुकानदारों ने किया विरोध, सड़क पर उतरकर कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहने पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को मिला सर तन से जुदा करने की धमकी, दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में मामला दर्ज। पीएफआई के खिलाफ बोलने पर बरेली के मौलाना शाबुद्दीन रिजवी को मिली जान से मारने की धमकी, दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में कॉल पर धमकी देने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र एटीएस ने पीएफआई पर किया बड़ा पर्दाफाश, पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया उन्हें अपने घरों में पेट्रोल पंप, तेजाब और तलवार तैयार रखने के आदेश दिए गए थे। पीएफआई के बैन पर देश भर में जारी है एक्शन, दिल्ली में 3 प्रॉपर्टी की गई सील जुमे की नमाज को देखते हुए, उत्तर प्रदेश में अलर्ट। गुजरात के वडोदरा में पुलिस और एटीएस ने एक मदरसे को सील किया, पीएफआई कनेक्शन की वजह से की गई बड़ी कार्रवाई। केंद्र सरकार के फैसले के बाद पंजाब सरकार ने भी पीएफआई को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, सभी जिलों के डीसी और एसएसपी को बैन किए जाने के निर्देश किए जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया, सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया, सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपने की खबर मिली थी। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में अस्पताल के पास छात्रों के 2 गुटों में विवाद, इस दौरान एक गुट के छात्रों ने फायरिंग कर दी, गोली लगने से एक छात्र घायल, जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में 2 लोगों ने एक छात्र को डंडे से पीटा, आरोपियों से छोड़ने की गुहार लगाता रहा छात्र, इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर वकील से लोगों की मारपीट हो गई, दोनों तरफ से जमकर फेंकी गई कुर्सियां, तहसीलदारों और पुलिस ने मामला शांत करवाया। यूपी के बागपत में महिलाओं के बीच कहासुनी के बाद जमकर हुआ बवाल, जमीन बंटवारे की वजह से शुरू हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के इंदौर में लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में कुछ लोगों ने एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू। महाराष्ट्र के नवी मुंबई उधारी नहीं चुकाने पर दरअसल कुछ लोगों ने मिलकर एक आदमी के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी, घटना वहां लगे कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जैम खुलवाने गए पुलिस अधिकारी से मारपीट, शराब के नशे में धुत 2 ट्रक ड्राइवर्स ने एएसआई के डंडे से पिटाई कर दी, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड के गुमला में छात्र को पीटने के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार, प्राइवेट स्कूल में 13 छात्रों से मारपीट का लगा था आरोप। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक टीचर ने छात्र की डंडे से पिटाई कर दी, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है पिटाई का ये वीडियो। गुजरात के अहमदाबाद में एक गरबा कार्यक्रम में 2 मुस्लिम लड़कों के घुसने पर पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। मुंबई के बारसुवा इलाके में होटल के कमरे में पंखे से लटका मिला मॉडल का शव, सुसाइड नोट भी हुआ बरामद। बिहार के आरा में बीजेपी नेता को बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से की गई हत्या, जांच के लिए 30 सदस्यों की टीम की गई गठन। यूपी के गाजीपुर में 3 गौ तस्करों की 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई, गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गर्ल्स हॉस्टल में अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया, आरोप में वार्डन और संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अब तक 3 गिरफ्तारियां हुई। यूपी के प्रयागराज में जश्न में की गई फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने फायरिंग करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया। बिहार के जमुई में सांस्कृतिक कार्यक्रम में सरेआम कानून की व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई, अश्लील गानों पर डांस करते हुए लहराई गई बंदूक, कई राउंड गोली चलाई गई। महाराष्ट्र के मालेगांव में मोबाइल चुराकर भाग रहे एक मोटरसाइकिल सवार की सड़क किनारे खड़ी एक कार से हुई टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही हुई मौत। बिहार के भागलपुर में चलती ट्रेन की खिड़की से लोगों ने मोबाइल चोरी के आरोपी को लटका दिया, इस दौरान लोगों ने जमकर पिटाई भी की, वीडियो वायरल कर इस शख्स की हुई पिटाई।
बिहार के जमालपुर रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का फिसला पैर, आरपीएफ के जवान ने यात्री की जान बचाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस दफ्तर में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया, साथ में अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, भूपेंद्र हुड्डा रहे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर ने दाखिल किया नामांकन, ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन के लिए कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थरूर, तो वहीं झारखंड से कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी ने भी भरा पर्चा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा अगर मेरा बस चले तो मैं पार्टी में बिना पद के करूंगा काम। गांधीनगर में पीएम मोदी ने दिखाई वंदे मातरम एक्सप्रेस को हरी झंडी, अहमदाबाद तक वंदे भारत में पीएम मोदी का सफर, अहमदाबाद मेट्रो के पहले फेज का भी पीएम ने किया उद्घाटन। अहमदाबाद में वंदे भारत और मेट्रो परियोजना के उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, अर्बन कनेक्टिविटी और आत्मनिर्भर होते भारत के लिए बड़ा दिन, 21वीं सदी में देश के कई शहरों से नई गति मिलने वाली है। अहमदाबाद से गांधीनगर जाने के दौरान थोड़ी देर के लिए रुका पीएम मोदी का काफिला, सड़क पर एम्बुलेंस देख पीएम ने कहा काफिले को साइड करो और एम्बुलेंस को जाने दो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भुवनेश्वर में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में हिस्सा लिया, कहा पीएम मोदी ने ओडिशा की अस्मिता, गौरव, मान सम्मान हमेशा आगे बढ़ाया। दिल्ली के राजा गार्डन में डीएम दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, रिहायशी इलाके में शराब दुकानें खोले जाने का किया गया विरोध। बिहार के कानून व्यवस्था पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने उठाया सवाल, का राज्य में सरेआम फायरिंग कर रहे हैं बदमाश, धोखा देना नीतीश कुमार की फितरत। राजस्थान के जयपुर में ओबीसी समुदाय के युवाओं ने सड़क पर निकाली आक्रोश रैली, ओबीसी बोर्ड के गठन की कर रहे हैं मांग। देश के दूसरे सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने संभाला पदभार, वॉर मेमोरियल जाकर नए सीडीएस ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तीनों सेनाओं ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान, रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की हुई बढ़ोतरी, नया रेपो रेट अब 5.90% हुआ, बढ़ सकती है यानी कि आपकी ईएमआई। गुजरात में सोमनाथ के दरबार में पहुंचे अनंत अंबानी, दर्शन के बाद मंदिर में भेंट किए 90 लाख के चांदी के बर्तन, मंदिर के प्रसिद्ध 51 स्वर्ण कलश की पूजा भी की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के काज एजुकेशन सेंटर में विस्फोट हुआ, धमाके में 19 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लोग घायल, पीड़ितों से परिवार वालों को नहीं मिलने देने का आरोप। रूस ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में किया रॉकेट से हमला, अटैक में 23 लोग मारे जाने की खबर, जबकि 28 लोग घायल भी हुए। यूक्रेन के मिकोलाइव में रूस की सेना ने ताबड़तोड़ बम बरसाया, बमबारी के बाद पूरे इलाके में लगी भीषण आग, 9 लोग गंभीर रूप से घायल। पाकिस्तान में ऑडियो टेप लीक होने का सिलसिला जारी, इमरान खान का ऑडियो वायरल, सीक्रेट डॉक्यूमेंट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं इमरान खान। और अमेरिका के फ्लोरिडा में चक्रवाती तूफान इयान का कहर, भारी बारिश में फ्लोरिडा के कई इलाके डूबे, ऑरलैंडो में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया।